तो ये है बॉक्स गैलेक्सी F12 का। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे अनबॉक्सिंग सैमसंग के F12 की। जो कि बेस्ड है एक्साइनोस 850 प्रोसेसर पे। ये दो वेरिएंट में आता है। जो मेरे पास वेरिएंट है वो 4GB रैम एंड 64GB रोम है, जो कि मुझे मिला है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद 10,000 का। इसका एक्चुअल प्राइस 11,500 है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ये है बॉक्स गैलेक्सी F12 का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सैमसंग गैलेक्सी F12 लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रांडिंग है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो 15 वॉट का चार्जर है एंड 6000 mAh बैटरी है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वाड कैमरा सेटअप है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। और यहाँ पे 48+5+2+2 ये कैमरा का सेटअप है। और अगर आप फ्रंट कैमरा देखोगे तो 8 मेगापिक्सल आपको दिखेगा। और अगर स्क्रीन रेशियो की बात करें तो 6.5 का देता है। ये HD+ है, ये FHD+ नहीं है। यही एक डिसएडवांटेज मेरे को इसका लगा। और अगर नीचे की तरफ देखें तो मेक फॉर इंडिया। बहुत लोग होते हैं अगर चाइना के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते, ये डिवाइस उनके लिए है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रांडिंग दिखेगी। और अगर ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगा आपको। और इसका रियल प्राइस 13 बता रहा है, बट मुझे 10,000 पे मिल गया क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसका वेरिएंट 4GB एंड 64GB वाला है। एक और वेरिएंट आता है इसका 4GB एंड 128GB रोम वाला आता है इसमें। ये बारकोड देखोगे। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं। सैमसंग की तरफ से। सो लेट्स कीप दिस असाइड। और ये आपको पिन मिल जाएगा सिम कार्ड को इंसर्ट करने के लिए। एंड ये आपको एक डिवाइस मिलेगा। ये आपको मिलेगा 15 वॉट का चार्जर, आप देख सकते हो। सैमसंग वाले बोलते हैं ये फास्ट चार्जर है, बट यार 20 वॉट के नीचे क्या ही फास्ट चार्जर होता है यार। अगर हम यहाँ पे देखें टाइप सी है कि क्या है। हाँ जी, ये टाइप सी है। भारी तो है, आई थिंक 232 ग्राम तो है इसका। मुझे सबसे डिसएडवांटेज ये लगा सैमसंग का कि इसका वेट और इसका जो चार्जर है 15 वॉट का। अगर सैमसंग 15 वॉट से ऊपर देते, 20 वॉट से ऊपर देते चार्जर एंड इसका जो वेट है वो कम रहता तो बेस्ट फ़ोन रहता ये। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक दिखेगा। अगर आप यहाँ पे राइट देखोगे तो वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको पावर ऑन पे ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिखेगा। और अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक एंड यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक भी मिल जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगा एंड यहाँ पे ब्रांडिंग है सैमसंग की। क्वाड कैमरा सेटअप, फ्लैश लाइट
मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल, डेप्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड 5 मेगापिक्सल एंड ये 2 मेगापिक्सल का है। लेट्स सी कि सिम ट्री कैसा है। दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड इजीली लगा सकते हो। नाउ लेट्स बूट दिस डिवाइस। आपको ब्लॉटवेयर देखेंगे, स्नैपचैट है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक। और अगर हम कैमरे की बात करें, कैमरा काफ़ी अच्छा है 48 मेगापिक्सल का। अगर हम फोकस करके देखें, इट्स प्रिटी गुड। मैं दो तीन सैंपल आपको मैं दिखाऊंगा अभी एंड वीडियो का भी दो तीन सैंपल आपको दिखाऊंगा। अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो अभी मैं गैलेक्सी F12 से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसके क्वालिटी को देख सकते हो। तो जैसे बोलते हैं ना कि नेचुरल फोटो क्लिक कर रहा है, नेचुरल वीडियो क्लिक कर रहा है, इसी को कहते हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो अभी मैं आपको इसका बैक कैमरे दिखाता हूँ। तो अभी मैं सन के सामने हूँ। किसी किसी कैमरे का होता है कि वो ब्लर हो जाता है एंड डार्क हो जाता है, बट इसमें है कि वो नेचुरली कैप्चर कर रहा है एंड ब्लर नहीं हो रहा है। चलते हैं इसके सेटिंग्स पे। एंड्रॉयड वर्जन 11, अरे वाह, अपडेटेड एंड्रॉयड वर्जन आपको मिल जाएगा एंड 1 UI कोर वर्जन 3.1, बेस्ड वर्जन, कर्नल वर्जन, बिल्ड वर्जन, नॉक्स वर्जन, सिक्योरिटी पैच लेवल भी है 1 सितंबर 2021 का। तो कंक्लूजन करके अगर मैं बताऊं तो ये फ़ोन आप ले सकते हो। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बैटरी 6000 mAh बैटरी है। और अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा भी बहुत अच्छा है 48 मेगापिक्सल एंड सारे सेंसर्स भी हैं, USB Type-C भी है। एंड अगर इसका डिस्प्ले देखो तो डिस्प्ले भी 6.5 का आता है। तो सब यहाँ पे मेरे को बेनिफिट ही दिख रहे हैं, बट इसमें दो चीज़ थी, चार्जर 15 वॉट का और इसका वेट। मुझे दो चीज़ ही डिसएडवांटेज लगा। आई होप मेरे वीडियो को देख के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।